so children now we are here coming to the family solanaceae again we are to start from solanaceae family that is herbaceous plants rarely woody means some plant can be woody but very rarely they are aerial they are erect they are cylindrical these are very common term aerial that means they are, if they are erect then they will be aerial also they are not creepers okay now here they have shown the plant of the family solanaceae here they have shown the Plant of Makoe plant. Makoe is just a type of a um, wild plant which they have shown here. Otherwise, we can see the plant of a uh, petunia also, plant of a tomato also. Tomato though you may have seen, plant of brinjal also and dhatura also. All of these plants belongs to this family. Okay, their stem they have shown that is hairy. And underground stem of potato also belongs to this class. So, this is one of the exceptional example that here the potato which is the solenum tuberosum whose stem is underground. In rest of the plant, the stem is above the ground which is erect one. Now, it comes the leaves. Leaves are alternate. As you can see, one is this side and one is this side. So, these are called as alternate leaves.

venation is reticulate okay because it is a dicot plant inflorescence is solitary that means single single flower arise they are not in clusters axillary or cymose type of inflorescence is there cymose as i have explained you that older flower is there at the center and and younger are at the base and the growth of the floral axis is stopped by the formation of flower देन कैलिक्स कैलिक्स आर फाइव एंड दे आर यूनाइटेड ओके इफ यू विल ऑब्जर्व द्लावर ऑफ टमेटो ब्रिंजल और यू जस्ट ऑब्जर्व द ब्रिंजल आप बैंगन को ही डायरेक्ट सब्जी जो बैंगन है उसको देखो उसके ऊपर बैंगन के ये फ्रूट जो है उसके ऊपर इस तरह से यहां पर कैलिक्स लगे होते हैं एंड काउंट दोज कैलिक्स दे आर फाइव इन नंबर ओके बिकॉज इन दिस फैमिली द कैलिक्स आर परसिस्टेंट परसिस्टेंट का मतलब वो फ्रूट के साथ भी लगे हुए होते हैं दे आर परमानेंट वेलवेट एस्टाइवेशन दीज आर द कैलिक्स वन टू थ्री फोर फाइव एंड वेलवेट मीन्स दे आर नॉट ओवरलेपिंग टू ईच अदर दे आर नॉट टचिंग बट दिस ब्रैकेट इज शोइंग दैट दे आर यूनाइटेड मतलब गैमोसेपेलस कंडीशन इज देयर ओके आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद द हेल्प ऑफ पिक्चर एंड रियल एग्जाम्पल तो नो नीड टू फोर सिट हियर मच आई हैलरेडी डिस्कस्ड एवरी थिंग इन प्रीवियस वीडियोज व्हाट इज गैमोसेपलस एंड वॉट इज दैट नाउ इट कम्स दरोला पैटल्स आर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव पैटल्स यू कैन सी ये भी ब्रैकेट से जुड़े हुए हैं मतलब गैमो पैटेलस कंडीशन इज देअर पिटूनिया का फ्लावर मैंने आपको गेमो पैटेलस में दिखाया भी था और वो इसी क्लास का मेंबर है वेलवेट एस्टाइवेशन दैट मीन्स दे आर नॉट ओवरलैपिंग टू ईच अदर ही जो की इस क्लास का में चाइना रोस भी एपीपेटेल होता है लेकिन वो इस क्लास का मेंबर नहीं है बट पिटूनिया इज द मेंबर ऑफ दिस क्लास इन विच ऑल्सो एपीपेटेल स्टेम सारे गाइनेशियम इज बाई कार्पेलरी टू कार्पल हार दे कार्पल दे आर यूनाइटेड Ovary is superior, hypogynous flower. Bilocular, two chambers are there. Placenta is solen. You can see here, there in the center, the solen placenta. This is the very important characteristics of this class. And the seeds are endospermic. Now come to the floral formula. Actinomorphic, bisexual, calyx 5, united means bracket. Corolla 5, united means bracket. Androsium are 5, एंड दे आर एपी पैटेलस तो एपी पैटेलस मतलब वो पेटल से जुड़े हैं तो ये ऊपर ब्रैकेट पैटल के साथ यूनाइटेड कर दिया गाइनेशियम इज बाई कार्पेलरीपस मतलब ब्रैकेट और अंडर लाइन मतलब सुपीरियर सो दिस इज अबाउट द फैमिली सोलेनेसी नाउ इट्स कम्स द इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस क्लास इन दिस क्लास वेरियस वेजिटेबल्स बिलोंग्स टू विच आर यूज दूड टोमेटो ब्रिंजल पटेटो चिली ओके विच इज अ स्पाइसेस ऑल्सो मेडिसिन के लिए इन दिस क्लास द बेलोडोना एंड अश्वगंधा आर द मेंबर ऑफ दिस क्लास विच आर यूज मेडिसिन एंड देन फ्यूमिगेटरी फ्यूमिगेटरी इज टोबैको मतलब जिसका धुआं यूज करते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स इज पिटूनिया पिटूनिया आई एम कीप शोइंग यू इन दस वीडियोज तो दैट वे दिस इज द फैमिली फेबेसी दिस इज इट्स फ्लोरल फॉर डाइग्राम दीज आर दैलिक्स विच आर यूनाइटेड गैमोसेपेलस कंडीशन दीज आर पेटल्स गैमो पैटेलस कंडीशन दीज फाइव आर स्टेम एंड ये जुड़े हुए हैं पैटल से सो देट इट इज एपी पैटेलस कंडीशन इज शोन्ड एंड दिस इज गाइनेशियम बाई कार्पेलरी प्लासेंटा इज सोलन सिन कार्पस मीन्स यूनाइटेड हियर दे हैव शोन दिस्टिल ऑफ इट This is ovary style and stigma. This is the flower. The, these are calyx. These are petals. These are here. They have shown these stamens, which you have seen rea in reality, which I have shown you in the previous videos. Okay. Thank you. Now only one family is left, which I am giving you in the next video.